हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्विक रिव्यू देने वाला हूँ और एक क्विक अनबॉक्सिंग करी है जो आपने देख ली होगी, जो कि है CG मास्कमैन 1 अल्ट्रा स्पीड गेमिंग माउस के ऊपर। तो ये है सर्कल गेमिंग की तरफ से माउस आता है, बहुत ही अच्छा माउस। अगर आप भी ये गेमिंग माउस लेना चाहते हैं जो कि आपके बजट के अंदर हो, तो आज मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ और ये किस कितनी कॉस्ट का मिलता है, आप कहाँ से ले सकते हैं, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि मालगांव, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलती है एक इंस्टॉलेशन ड्राइव, जो कि एक छोटी सी CD है। अगर आपको इसको बिना इंस्टॉल करे भी चलाएंगे तो आराम से आपका माउस वर्क करेगा। बस ये कलर चेंज कराने के लिए है कि आपके जो LED है उसका कलर कैसे किस टाइप से प्रोग्राम होगा, उसके लिए इंस्टॉलेशन ड्राइव है। इसके बाद हमें मिलती है एक यूज़र मैनुअल। इस यूज़र मैनुअल के अंदर आप कैसे अपनी ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आपके सेटिंग्स कर सकते हैं माउस के कलर की, इसके पूरे बारे में दिया हुआ है। तो एक बार आप इसको कंसिडर करिए पढ़ना। तो एक हमें ये मिलती है। इसके बाद हमें मिलती है यहाँ पे एक वारंटी कार्ड। तो आप देख सकते हैं ये हमें एक वारंटी कार्ड दिया है, इसमें 1 ईयर की वारंटी मिलती है हमें। और इसके बाद हमें फाइनली हमारा एक यहाँ पे माउस मिलता है, जो कि ये सर्कल गेमिंग का CG मास्कमैन 1। तो और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप की हमें गोल्ड प्लेटेड USB भी मिलती है। तो ये सब मिलता है हमें हमारे बॉक्स के अंदर। तो अब इस माउस का हम ओवरव्यू लेते हैं। इसके अंदर हमें एग्रोमिक डिज़ाइन मिलता है और ये हमें मैट ब्लैक में मिलता है और साइड में थोड़ा सा येलो कलर का मिलता है। में हमें इसके अंदर 6 कीज मिलती है, जिसके अंदर से 5 प्रोग्रामेबल है और 1 प्रोग्रामेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं साइड में 2 कीज मिलती है, पर 1 की मिलती है। ये 2 यहाँ पे बटन्स मिलते हैं हमें, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, और हमारे यहाँ पे व्हील मिलता है जो भी जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। पीछे की साइड में यहाँ पर सर्कल गेमिंग की ब्रांडिंग मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की साइड में। तो अब इसके हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले ट्रांसमिशन जो है इसका वो वायर्ड है, ये वायरलेस नहीं मिलता है। इसके बाद हम जो इसका माउस वर्क है वो है फोटो इलेक्ट्रिक। जो इसका माउस रेजोल्यूशन हमें मिलता है वो है 500, 1000, 2000, 3000 और 4000 DPI। फिर जो इसका इंटरफेस है वो है USB इंटरफेस, और फिर जो इसका वेट है वो है 5 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेट, और जो माउस साइज़ है वो है 120x75x34 mm। हमें यहाँ पे 6 कीज मिलती है, जिसमें से 5 प्रोग्रामेबल कीज़ है। जो इसकी केबल लेंथ है वो है 1800 mm, और जो इसकी RGB लाइटिंग है वो लूप ट्रांसफॉर्मेशन में मिलती है। इसको आप चाहे तो CD ड्राइव डालकर चेंज भी कर सकते हैं और कोई स्पेसिफिक कलर भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये थी मेरी क्विक अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू, जो कि था CG मास्कमैन 1 के ऊपर। मैं करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको भी ये माउस लेना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हैं तो आपको ये कुछ कम रेट में मिल जाएगा, और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से लेना है। मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया तो मेरे को थोड़ा ये सस्ता पड़ गया। तो दोस्तों अगर आपको भी लेना है तो मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपने अभी तक मेरी कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप साइड से जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।